Okay, so today we are going to discuss about how to deal the dirty politics at the workplace. Right. So we have Sameer Bhai with us, and he is a business consultant in one of the very prestigious company. So आज हम इनके साथ discuss करेंगे कि कैसे उनके साथ हम deal कर सकते हैं, कैसे उन चीजों से बाहर आ सकते हैं, and कैसे एक healthy work life balance बना सकते हैं. Right. So Sameer Bhai, क्या क्या चीजें, क्या क्या problems लोगों को face करने को आती हैं at the workplace? देखो, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि लोग ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों खेलते हैं ऑफिस में, कॉर्पोरेट लाइफ में. ये होता क्यों है, ये शुरू क्यों होता है, और इसका जो रीजन है वो क्या है. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, लोगों को इनसिक्योरिटीज होती है अपने जॉब के लिए. करेक्ट. ठीक है, वो डरते हैं कि कहीं उनको निकाल ना दिया जाए अपने कंपनी से, और उनका जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, ब्रेड एंड बटर है, कहीं वो बंद ना हो जाए. ठीक है, तो जब ये इनसिक्योरिटीज होती है ना, तो वो सोचते हैं कि यार कुछ करते हैं. ठीक है, तो वो जब सोचते हैं ना कुछ करते हैं, तो वो काम के बारे में नहीं सोचते हैं. वो ये सोचते हैं कि कैसे दूसरों को अपने अंदर रख के, अपने अंडर रख के, ठीक है, और उनसे काम निकाला जाए और मैनेजमेंट के सामने उनका काम अपने थ्रू हाईलाइट किया जाए. मीन्स हमारा वैल्यू स्टैकिंग बढ़ रही है, हमारी विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, बट उसके चक्कर में हम बाकी लोगों की विजिबिलिटी ओवरकम कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है, कोई भी एक इनोसेंट पर्सन जो बहुत हार्ड वर्कर है, वो इसमें फंस जाता है. करेक्ट. ठीक है, जो कि थोड़ा सा जूनियर लेवल में है, या तो फिर वो थोड़ा सा इनोसेंट है, ये सब चीज में उसको वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा, वो क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर पाता अपने सीनियर से. राइट, और वो हार्ड वर्किंग, बहुत बहुत हार्ड वर्क करता है. करेक्ट. ठीक है, तो ये ही सारे लोग होते हैं जो इस केस में फंस जाते हैं. तो एंड जस्ट एक छोटी सी चीज, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब जिन जूनियर्स के साथ, जिन भी फ्रेशर्स के साथ, जिन भी एक दो तीन साल वालों के साथ ये चीज ऐसा होती है ना, सो वही चीज वो वहां से वो भी सीख जाते हैं. राइट. एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी वैसा ही करने का ट्राई करते हैं काफी लोग. हाँ, देखो इसमें दो चीज हो सकती है. एक तो है, या तो फिर वो सीख जाता है ये चीज. करेक्ट. ठीक है, या तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है उसके साथ. yes. जो भी हो रहा है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो मतलब फोर्सफुली वो रेजिग्नेशन दे देता है, कंपनी से निकल जाता है, एंड कुछ दूसरा सोच लेता है, कुछ दूसरा शुरू कर लेता है. करेक्ट. या तो फिर कहीं और जॉब कर लेता है. तो ये दो चीज हो सकती है. बिल्कुल. ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, अगर आप देखोगे कि आपके अगेंस्ट में कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है. Correct. और वो आपके लिए, मतलब आपको वो हाईलाइट नहीं कर रहा है. Bilkul. वो खुद को हाईलाइट कर रहा है. आप जो काम कर रहे हो, मे बी वो आपका सीनियर है, वो आपका काम लेके सामने दिखा देता है मैनेजमेंट को. Correct. तो ऐसे में क्या होता है, एक तो ये है कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है. ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि मैनेजमेंट के सामने एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है. Correct. वो भी आपको लेके. ठीक है, और थर्ड चीज ये है कि आपका प्रमोशन है, आपको जो रिवॉर्ड मिलता है कंपनी में. बिल्कुल, बिल्कुल. या तो फिर जो भी अचीवमेंट वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजों में आप जो कंपनी की जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना, आप उस लिस्ट से बहुत पीछे हट जाते हैं, बाहर हट जाते हो. मतलब जब वो रिकॉग्निशन का टाइम आएगा, जब हाइक प्रमोशन होगा. Right. जब कुछ भी ऐसा होगा, तो आपको काउंट भी नहीं किया जाएगा. काउंट नहीं किया जाएगा, या तो फिर आपका जो नाम है बहुत ही बाद में रखा जाता है उनके लिस्ट में.